नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने एक बार फिर श्रीनिवास में जो झाड़ा लगता है उसके बारे में पड़ताल की, एक व्यक्ति से बात की, क्या वास्तव में झाड़े से रोग ठीक हो सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। श्रीनिवास धाम में भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँच रहे हैं। श्रीनिवास धाम में अब झाड़ा सोमवार से शनिवार तक लगाया जाता है, सुबह और शाम को। तो धाम पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा उमड़ती है। जिस दिन कम संख्या होती है तो भगत जी लाइन में लगने को कह देते हैं लोगों को। धाम से अलासमेंट किया जाता है कि जल्दी से लाइन में लग जाएं और भगत जी अब आपको झाड़ा लगाने वाले हैं। और जिस दिन हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुँच जाते हैं तो भगत जी छत से उन्हें आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद से लोग ठीक होते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में एक व्यक्ति से पूछा, उन्हें सफ़ेद मोतिया और कंधे में दर्द और एक दो और परेशानी थी, तो उन्होंने बिल्कुल सटीक बताया। आप इस रिकॉर्डिंग में सुनिए और आप खुद ही सत्यता को जानें। हेलो। हाँ जी। जी राम राम। राम राम जी। आप कहाँ से हैं? मैं जी नरवाना से। नरवान से आप श्रीनिवास धाम गए थे क्या? हाँ गए थे भाई जी। हम यह जानना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि श्रीनिवास धाम में झाड़े से लोगों को कोई आराम नहीं होता है, इसीलिए हम यह पड़ताल कर रहे हैं और अपने चैनल पर आपकी ये रिकॉर्डिंग चलाएंगे कि आपको फायदा हुआ है या नहीं, आप बताइए। भाई फायदा हुआ। आपको क्या तकलीफ थी? तकलीफ थी भाई तो मेरी बाजू है, बाजू दुखी करती। हाँ बाजू में दर्द था। अच्छा जी। वो तो दिमाग सब 100 का 100 बंद हो गया। हाँ अच्छा भाई, थोड़ी पेट में फिक्र बढ़ गई वरना जी। अच्छा उसमें आराम है। अच्छा एक थी भाई आंखों में था सफेद मोतिया। हाँ सफेद मोतिया। हाँ जी। अच्छा उस तक ये करता मान लो दोबारा ना दूँ, उसमें बहुत मुश्किल हो रहा था बाहर निकलना। हाँ दोपहर में आंखों में दिक्कत होती थी। हाँ दिक्कत हुआ है। अच्छा झाड़ा लगने के बाद वह 3 झाड़े बहुत आराम लग गया। तो 3 झाड़ों में आपको बिल्कुल आराम है? हाँ बिल्कुल, मैंने फर्क लग गया अंदाजा। हाँ आराम है भाई। तो जावा जिसका फायदा लगा तो फायदा बतावा, जिसका नहीं लगा आराम वो ना मिलता भाई, कोई आराम नहीं। हाँ सही कहा सर, आपको आराम हुआ है तो आपने तो कह दिया कि मुझे आराम हुआ है। तो लोग जो लोग झूठ प्रचार कर रहे हैं ना श्रीनिवास धाम के बारे में, तो उनके लिए है। जो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और फिर भी ठीक नहीं होते हैं, अगर वो धाम पर जाकर सिर्फ झाड़े से ठीक होते हैं तो कितनी बड़ी बात है ये। इसीलिए बड़ी बात है जी। हाँ सर ठीक है सर, धन्यवाद सर। फिर इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियोज के लिए इस वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।